रूपदास जी कह रहे हैं, अजगर करे नचा मेरी पंछी करे दास मनुका यो कहे सबके सबको देने वाले परमात्मा है। चींटी से लेकर के हाथी तक को देते भगवान है, पर विश्वास हो कोई मार मार के खिलाते विश्वास हो। मलुकदास जी के जीवन की घटना यही तो है। इन्होंने सुना कि भगवान सबको खिलाते, कोई उनके आश्रित हो जाए, तो मलुकदास जी पेड़ पर चढ़ गए। बोले देखते हमें कैसे खिलाएंगे भगवान, कुछ नहीं करेंगे। उन लोग कहते कुछ मत करो, बस भगवान के हो जाओ तो भगवान खिलाते। बोले हम कुछ नहीं करेंगे, हमको कैसे खिलाते। एक पेड़ पर चढ़ गए और केवल राम 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 कर रहे। एक बात ध्यान रखना, भगवान सबको देते जरूर हैं, लेकिन आज भी कई ऐसे हैं जो भूखे बेचारे रह जाते सारे दिन। क्यों? उन्हें भगवान पर विश्वास नहीं। आप भगवान के नाम का आश्रय लेकर के, आप भगवान के नाम का कीर्तन करो, फिर भूखे रह जाओ तो हम गारंटी लेते कभी भूखे नहीं रहोगे। भगवान को आप एक शब्द ना जाओ, प्रणाम नहीं करो, तो फिर भूखे मरो तो कोई गारंटी नहीं है। मलुकदास जी बोले हम देखते कैसे खिलाएंगे, पेड़ पर बैठ के राम राम कर रहे। सुबह से शाम हो गई, कुछ नहीं मिला खाने। चोर कहीं से आए थे डकैती करके, जंगल में उसी पेड़ के नीचे बैठे। धन का बंटवारा करना था, बोले बंटवारा तो कर ही लेंगे, भूखे बहुत हैं। जो कोई कुछ लाया बाजार से, बोले पहले खा ले। एक गया लेने के लिए, जब